नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज हम बात करेंगे जायद की, मक्का के फसल के बारे में, जिसका सही समय बोने का क्या है। मक्का की खेती के लिए बुवाई के समय 18 से 30 सेंटीग्रेड का तापमान लगभग होना चाहिए, जिससे जमाव ठीक प्रकार हो सके। मक्का की अच्छी उपज के लिए बलुई दुमट या दुमट मिट्टी उपजाऊ होती है, जिससे अच्छी पैदावार होती है। जायद की फसल फरवरी के अंत तक मक्का की बुवाई कर देनी चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन ठीक प्रकार हो सके, जो कि हमारी पैदावार में कोई कुप्रभाव ना पड़ सके और मक्का का पौधा स्वस्थ रहेगा। मक्का की अच्छी उपज लेने के लिए बुवाई के समय देने वाले उर्वरक खेत की तैयारी के समय ये उर्वरक डालने चाहिए, जिससे पौधा अच्छा रहेगा और अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा। लगभग 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास प्रति हेक्टर की दर से डालनी चाहिए, जिसमें लगभग नाइट्रोजन की भले ही आधी मात्रा आप डालें और फास्फोरस की और पोटास पूरी मात्रा में देनी चाहिए। और नाइट्रोजन को दो बार खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें, जिससे हमारा पौधा अच्छा रहे और फसल भी अच्छी रहेगी, जिससे हमारी पैदावार भी अच्छी होगी। आधी मात्रा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के 25 से 30 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग में देनी चाहिए, और बाद में नाइट्रोजन फूल आने के समय डालना चाहिए।